हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे पीजीएमएन ऐप पर। तो यार चलो, आज इस लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लॉज ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें जो फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन, उनके लॉज हम लोग पढ़ेंगे। उन्हीं लॉज पर बेस्ड चैप्टर है, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो। जो तीन लॉज आपने वैसे थोड़े बहुत पढ़ रखे 9th-10th में, नहीं भी पढ़े तो एकदम बेसिक से जाएंगे हम लोग, नहीं भी पढ़े आप लोगों ने फिर भी हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे इन लोग लॉज को। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यार न्यूटन्स के लॉज है फिजिक्स में है तो बहुत हार्ड होंगे। कुछ नहीं, बहुत इजी होते, ठीक है। उस पर क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं, हम एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, बस बने रहिए। नोटबुक लेके बैठना है, नोट्स निकालना है, जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा शॉर्ट नोट्स, वैसे ये पीपीटीज तो आपको मिल ही जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए लॉज ऑफ मोशन को। लॉज ऑफ मोशन में लॉज पर हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, कुछ हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ लेंगे जो इंट्रोडक्शन रहेगा इस चैप्टर के लिए। देखो क्या बेसिक पार्ट है, क्या देखो एक्चुअली फिजिक्स है ना, जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पार्ट होता है, वैसे फिजिक्स में भी मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ऐसे 5-6 ब्रांचेस होते हैं, मतलब 5-6 पार्ट्स होते हैं फिजिक्स के, उसका एक पार्ट होता है मैकेनिक्स। अच्छा, हमने जो लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा ना फिजिक्स में, जो लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा हमने मोशन इन प्लेन, वो भी चैप्टर मैकेनिक्स का ही एक हिस्सा है। क्या हो रहा है भाई आज, तो फिजिक्स के मैकेनिक्स में होता क्या है बेसिकली। मैकेनिक्स में देखो दो ब्रांचेस है मैकेनिक्स के, एक ब्रांच है मैकेनिक्स की स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, और एक ब्रांच है काइनेटिक्स। स्टैटिक्स एक ब्रांच है और एक ब्रांच है काइनेटिक्स। अच्छा, स्टैटिक्स मतलब क्या, स्टैटिक नाम से ही लग रहा है आपको, स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक मतलब रेस्ट पे होता है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट पे होता है। ओके ठीक है सर। सर काइनेटिक्स मतलब क्या, अच्छा स्टैटिक्स मतलब बॉडी रेस्ट पे होगा, काइनेटिक्स मतलब बॉडी रहेगा मोशन में, काइनेटिक्स मतलब बॉडी रहेगा मोशन में। अभी वैसे देखा जाए तो बॉडी मोशन में क्यों होता है, कुछ तो उस पर फोर्स लग रहा होगा या कोई और चीज होगी जिसकी वजह से वो मोशन में है। तो इसमें काइनेटिक्स में भी दो ब्रांचेस आते हैं, काइनेटिक्स में भी दो ब्रांचेस, यस काइनेटिक्स में भी दो ब्रांचेस आते हैं। काइनेटिक्स में एक ब्रांच होता है काइनेमेटिक्स और इसमें एक ब्रांच होता है डायनेमिक्स। ये काइनेटिक्स के ब्रांचेस में लिख रहा हूं। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस है सर दोनों में, देखो अभी इनमें डिफरेंस ये है इन ब्रांचेस में कि मैकेनिक्स के ये दो पार्ट्स में, स्टैटिक्स तो समझ गया बॉडी रेस्ट पे रहेगी, हम लोग उसका स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग स्टैटिक्स कहेंगे, काइनेटिक्स में बॉडी मोशन में रहेगी। लेकिन अभी बॉडी मोशन में है तो क्यों है, फोर्स के वजह से। अच्छा, मुझे नहीं पता कि किस वजह से है, लेकिन बस मुझे बॉडी के मोशन का स्टडी करना है, जो मैंने पिछले चैप्टर में किया था मोशन इन प्लेन में, मैंने मोशन का स्टडी किया बॉडी के पूरा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारी चीजें देख ली मैंने, डिस्टेंस सब देखा, बट मैंने ये जाना, ये मैंने बताया आपको कि क्यों बॉडी मोशन में है, नहीं बताया, क्योंकि वो ब्रांच था काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। काइनेमेटिक्स मतलब यहाँ पे किस वजह से वो मोशन हो रहा है उसका कॉज नहीं जाना जाता है, क्यों मोशन हो रहा है उसका रीजन नहीं जाना जाता है, ठीक है। सिंपल भाषेत सांगायचं तर ही रिकाम्या पंचायतीत पडत नाही काइनेमेटिक्स की कशामुळे मोशन होत आहे, मोशन होत आहे ठीक है। लेकिन डायनामिक्स जो होता है उसमें क्यों मोशन हो रहा है, मतलब कॉज क्या है मोशन का, फोर्स की वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है, फोर्स की वजह से हो रहा है तो बॉडी का वेलोसिटी, अगर एक बॉक्स है उसको मैं एक सरफेस पे रखा, रफ सरफेस पे, उसे अगर मैंने पुश किया तो वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा, क्यों रुकेगा, फ्रिक्शन के वजह से रुकेगा। तो ये कॉज भी अगर मुझे कंसिडर करना है तो उस ब्रांच को मैं कहूंगा डायनेमिक्स, ठीक है, वो जो ब्रांच को क्या कहूंगा, डायनेमिक्स। तो चलो देखते हैं क्या है। देखो, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, वन इज स्टैटिक्स वेयर वी डील विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस, इक्विलिब्रियम में या रेस्ट पे, ये हम लोग मान लेते हैं स्टैटिक्स में। काइनेटिक्स में विच डील्स विद द एक्चुअल मोशन, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं मोशन के बारे में। देन काइनेटिक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, काइनेटिक्स के और फर्दर दो ब्रांचेस है जिसमें एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी डिस्क्राइब वेरियस मोशन विदाउट डिस्कसिंग देयर कॉज, वेरियस पैरामीटर्स डिस्कस्ड इन काइनेमेटिक्स आर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो मैं अभी बोला आपको, हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा भी वो पिछले चैप्टर में। डायनेमिक्स, इन डायनेमिक्स We describe the motion along with its cause, इसका cause which is force, और torque भी हो सकता है। Torque क्या होता है, अभी आपको ज्यादा दिमाग पर pressure डालने की जरूरत नहीं, आप 12th में पहले ही chapter में पढ़ोगे rotational dynamics में torque क्या होता है।
विच इज फोर्स और टॉर्क और पैरामीटर डिस्कस इन डायनेमिक्स आर मोमेंटम सुना होगा, फोर्स सुना है, एनर्जी सुना है, पावर सुना है, ये सारी चीजों का एडिशन हो जाएगा काइनेमेटिक्स से। ठीक है, काइनेमेटिक्स में ये सारी चीजें नहीं होती है। मैंने ना कहीं वर्ड यूज किया फोर्स, ना कहीं वर्ड यूज किया पावर, ना कहीं वर्ड यूज किया एनर्जी, ना यूज किया मोमेंटम। तो इसलिए वो काइनेमेटिक्स था जहां पे हम लोग कॉज नहीं जानते थे। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो मोशन अभी स्ट्रिक्टली रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मोशन इज स्ट्रिक्टली रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों ऐसे कहा जाता है कि मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी एग्जांपल दिया था, वापस देता हूँ। ये पेन है, मैं हूँ और आप हूँ। कौन कौन है? तीन लोग हैं, एक पेन, मैं और आप। ये पेन को लेकर मैं ऐसे सामने चल रहा हूँ सीधा, ठीक है। आप अगर हमारे पास देखोगे, हमारे पास मतलब पेन और मेरे पास, तो आपके लिए हम दोनों मोशन में है, करेक्ट है ना। और जब मैं इस पेन के पास देख रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ आगे, तो मुझे लग रहा है ये पेन रेस्ट पे है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये आएगा अभी आगे और डेप्थ में भी देखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, सिंपली फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है ये चीज। कौन, कहाँ से रेफरेंस ले रहे हो आप, इस पे डिपेंड कर रहा है वो चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए कहा जाता है मोशन। ये हम, मैं और ये पेन, ये पेन आपके लिए मोशन में था कि नहीं था? ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताना है भाई, ये पेन मोशन में है कि नहीं है आपके लिए? है, मेरे लिए नहीं है, रिलेटिव हो गया ना, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। इट शुड ऑलवेज बी डिस्क्राइब्ड इन कॉन्सेप्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम। मैंने अभी बताया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ रनिंग बस, नाइदर यू नॉर योर को पैसेंजर सिटिंग इन द बस आर इन द मोशन इन योर रेफरेंस, दैट इज मूविंग बस। हाउएवर फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस बस यू एंड ऑल पैसेंजर्स आर इन मोशन। बस जो मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल लेके समझाया, इन्होंने बस का एग्जाम्पल लिया, एक बस है उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे। ट्रेन में अगर आप बैठे हो, मान लो इधर से एक मैं बैठा हूँ, सामने मेरे और कोई एक इंसान बैठा है, मेरा दोस्त बैठा है, ठीक है, दोस्त ही बैठा है, ठीक है। तो मैं जब उनके पास देखूंगा तो वो मुझे लगेगा कि वो रेस्ट पे, लेकिन आप बाहर से देखोगे तो आपके लिए वो भी मोशन में है, मैं भी मोशन में हूँ। इसलिए कहा जाता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़े। मोशन इन रियल लाइफ मे बी अंडरस्टूड सेपरेटली एज लीनियर, सर्कुलर। लीनियर मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन में, अलॉन्ग एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, लेकिन एक ही इसमें। सर्कुलर पढ़ा हमने। रोटेशनल क्या होता है, पढ़ेंगे आगे। ऑसिलेटरी मतलब क्या? पेंडुलम वगैरह देखे, घड़ी में पेंडुलम होते हैं, बस उसका मोशन ऑसिलेटरी होता है। ये भी एक सेपरेट चैप्टर है ऑसिलेशन नाम से, 12th में, 5th चैप्टर, ठीक है, एक्सेट्रा और सम कॉम्बिनेशंस लाइक दिस, ठीक है। व्हाइल डिस्क्राइबिंग एनी ऑफ दिस वी नीड टू नो करस्पॉन्डिंग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन। अभी इन मोशंस के लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है ये देखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए ये डायनेमिक्स में आता है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। ट्रैजेक्टरी ऑफ एनी मोशन इज डिसाइडेड बाय एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी यू। अच्छा कुछ याद आ रहा है, एक सेंटेंस लिखा के दिया था, क्या बोल रहा है वो? ट्रैजेक्टरी मतलब क्या? पाथ होता है किसी भी मोशन का, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी यू। क्या याद आ रहा है, मैंने एक सेंटेंस लिखा के दिया था कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डिरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, याद आ रहा है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था, बस इसमें वर्डिंग थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग मोशन देखेंगे। अभी जो मोशन देखे थे लीनियर, सर्कुलर वगैरह वगैरह, वो क्या होते हैं, बस बेसिक बेसिक देख लेंगे उसका। लीनियर मोशन मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी में भी जीरो और नॉन जीरो। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, देन एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन विल रिजल्ट इनटू लीनियर मोशन। मान लो कि ये एक गाड़ी था, ये इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो है। बट इसको मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का राइट हैंड साइड में, तो ये क्या होगा, इसका वेलोसिटी अभी जीरो है, बट एक्सेलरेशन देने की वजह से हर सेकंड में उसका वेलोसिटी 2 से बढ़ता जाएगा, बराबर है? तो वही एक्सेलरेशन दिया है तो क्या होगा, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन विल रिजल्ट इन टू लीनियर मोशन, एक्सेलरेशन की वजह से लीनियर मोशन में चला जाएगा। चलो अभी अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, द एक्सेलरेशन मस्ट बी इन लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी और अलॉन्ग द अपोजिट डायरेक्शन फॉर द रिजल्टेंट टू बी इन लीनियर मोशन। समझ लो अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, मान लो जीरो नहीं है तो कोई वैल्यू ही ले लो सर, हमें और मजा आ जाएगा। चलो वैल्यू ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड। चलो अभी जीरो नहीं था लेकिन एक्सेलरेशन भी तो है, अभी वेलोसिटी 10 है, अगले सेकेंड में ही उसका वेलोसिटी 10 से 12 हो जाएगा, 12 से 14, 14 से 16। अच्छा मतलब क्या, अगर लीनियर मोशन परफॉर्म करना है तो फॉर लीनियर मोशन कहाँ लिखूँ, इधर लिख दूँ, यहाँ पे है फॉर लीनियर मोशन के लिए
वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर लिख रहा हूँ, वेक्टर लिख रहा हूँ मतलब डायरेक्शन भी आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्या इसका मीनिंग है सर, बता देता हूँ। एक एग्जांपल जो दिया है ना, पैरेलल एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है पता है? पैरेलल मतलब दोनों भी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और एंटी पैरेलल मतलब एक अगर इधर चल रहा है तो दूसरा एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट इधर चल रहा होगा। अच्छा, अभी u 10 मीटर पर सेकंड था इस डायरेक्शन में, राइट में, और एक्सेलरेशन भी उधर ही दिया, तो ये इधर ही चलता रहेगा। चलो मान लो अभी u की बात तो सही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, एक्सेलरेशन इधर दे दो और u इधर दे दो 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। अभी वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, ये कान खोलकर सुन लेना, काइनेमेटिक्स मतलब पिछला चैप्टर को काइनेमेटिक्स भी कहा जाता है, उसमें भी यूज आता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड अप होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड अप होता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डाउन होता है। अच्छा, अभी सर बुक्स में तो लिखा होता है कि एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है तो उसे हम लोग रिटार्डेशन कह दें, कुछ बुक्स में लिखा होता है, गलत है, बुक्स को गलत कह रहे हो सर? हाँ, क्योंकि अच्छे बुक्स पढ़ो, जैसे एच सी वर्मा वगैरह है, उसमें आपको क्लियरली दिया हुआ है रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं, जब एक्सेलरेशन स्पीड को कम करने लग जाए उसे हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो अभी बस ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना एम था। अभी आ जाओ इस पर एग्जाम्पल पे, वेलोसिटी इधर 10 की, एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड अप होगा कि स्पीड डाउन होगा? जोर से बताओ यार, स्पीड अप होगा कि स्पीड डाउन होगा? यस करेक्ट, स्पीड डाउन होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितने से हर सेकंड में 2 से, मतलब 10 था, फिर 8, फिर 6, फिर 4, मतलब क्या हो रहा है? वही तो इसने कहा है, मोशन तो लीनियर होगा बट स्पीड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो मोशन लीनियर होने के लिए ये कंडीशन याद रखना। अच्छा, अभी और अगर डेप्थ में जाऊँ तो किसी को क्यूरियोसिटी होगी, सर 10, 8, 6, 4 तक आए, फिर 2 और फिर 0 भी होगा, फिर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा क्या? हाँ बेटा, आएगा रेस्ट पे, बट कुछ एक सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए, क्यों, बाद में क्या होगा? 10, 8, 6, 4, 2, 0, एक्सेलरेशन तो इधर है ही ना, फिर वो इसको इधर लेके आएगा, फिर वापस इधर बॉडी आएगा, एक्सेलरेशन भी इधर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, चलता जाएगा, गया बॉडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो एंड एक्सेलरेशन इज थ्रू आउट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, देन रिजल्टेंट मोशन विल बी सर्कुलर। कैसे? सर्कुलर मोशन में क्या होता था, ऐसे एक वेलोसिटी इधर दे दिया जाता था जिसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते थे, और मान लो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं भी है, एक एक्सेलरेशन इधर होता था, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी टेंजेंशियल, दोनों एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर बन जाए तो वो मोशन सर्कुलर हो जाता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं, पैराबोलिक मोशन, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इन लाइन विद द एक्सेलरेशन, मतलब परपेंडिकुलर नहीं कह रहा हूँ, पैरेलल नहीं कह रहा हूँ, एंटी पैरेलल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन लाइन नहीं है, मतलब कुछ एंगल बना रहा है उससे, द मोशन इज पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। होता क्या था, इनिशियल वेलोसिटी यू ऐसे था और जी एक्सेलरेशन ऐसे होता था, तो ये इन लाइन नहीं थे, इसमें कुछ एंगल बन रहा था उन दोनों के बीच में, उससे लेना देना नहीं एंगल कितना बन रहा है, लेकिन वो इन लाइन नहीं थे। अदर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड ए विल रिजल्ट इन टू डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड मोशन, मतलब इतने ही तीन मोशन के टाइप्स नहीं है, बस हमारे सिलेबस में यही तीन मोशन है, बाकी और अगर हम लोग इसको चेंज करते जाए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को तो और कॉम्प्लिकेटेड मोशन आते जाएंगे जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी क्या आता है, एरिस्टोटल्स फॉलोसी, एरिस्टोटल्स फॉलोसी, अभी नाम में ही फॉलोसी है, मतलब कुछ तो गलत बताया होगा, एरिस्टोटल नाम की साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ कहा था, उन्होंने क्या कहा था, देखो ग्रीस, ग्रीक साइंटिस्ट है, ठीक है, हेल्ड द व्यू दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसने क्या कहा था कि बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया है, अभी आउटडेटेड हो गया है, क्यों पता है, उसने एक ही साइड देखा मोशन का, उसने अगर बॉडी मोशन में वही देखा देन वो रेस्ट पे कैसे आता है ये बताया ही नहीं, मतलब इसने मोशन वाला कॉन्सेप्ट तो बताया सही कि बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बॉडी रेस्ट पे आएगी तो आएगी कैसे ये वो बताने में असफल रहे, इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है, ठीक है। मतलब होते हैं ना कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस होते हैं, विस्कस नाम सुना होगा आपने, नहीं भी सुना होगा तो आगे 12th में सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, फ्रिक्शन फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस और भी होते हैं, ड्रैग वगैरह, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें क्या होती है,
इस सारी चीजें ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने पर तुली हुई होती है, रेस्ट पे ही लाना होता है उनको ऑब्जेक्ट को। चलो, देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? मूविंग टॉय कार कम्स टू रेस्ट बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो गाड़ी खेले हो, गाड़ी वो चाबी वाली आती थी, देखो उसको की दे दो ऐसे, बचपन में खेले होगे, नहीं खेले होगे तो अभी रिमोट कंट्रोल वाली आती है भाई, ठीक है, वो चाबी वाली गाड़ी को चाबी घुमा दो और वो चलती रहेगी, कुछ देर बाद रेस्ट पे आ जाएगी, चलती ही नहीं रहती है लाइफ टाइम के लिए। क्यों रेस्ट पे आती है? फ्रिक्शन के वजह से। फ्रिक्शन ऑन द कार बाय द फ्लोर अपोजिट इट्स मोशन। टू काउंटर दिस फोर्स द चाइल्ड हैज टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आगे जाना है तो और फोर्स लगाना पड़ेगा चाबी के इसमें, या आप हाथ से अगर घुमा रहे हो गाड़ी को, ऐसे अगर हाथ से पुश कर दो, चलती नहीं रहेगी, थोड़ी देर पे जाके रुक जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, और आगे भेजना है तो फोर्स लगेगा। यहाँ तक ठीक था, बट वो रेस्ट पे क्यों आ रहा है ये उसने नहीं बताया था। इन सिंपल वर्ड्स कंक्लूजन क्या था इसका? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। मतलब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को मोशन में रखने के लिए कब यूजफुल होता है? जब रेजिस्टिव फोर्सेस हो, जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कस, ऐसे। रेजिस्टिव मतलब, रेजिस्टेंस मतलब क्या पता है? जो अपोज करता है। अगर कोई अपोजिंग फोर्सेस है तो ही ये एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती थी, नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है बॉडी को मोशन में रखने के लिए। इसी वजह से एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। गैलीलियो ने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। चलो, फिर इसी को एक्सटर्नल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के आ गए थे हमारे न्यूटन साहब, एप्पल वाले जो है, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा तो खाने के बजाय वो सर्च करते बैठे। फिर उन्होंने 3 लॉज निकाले और फिर फिजिक्स चालू हो गया। फिजिक्स वैसे पहले भी था, बट ये मैकेनिक्स वाला पार्ट मोस्टली उसके न्यूटन के वजह से ही है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आगे। चलो, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का? ये तीनों स्टेटमेंट एज इट इज रटे हुए चाहिए आपको। क्यों पता है? ये 12th में भी काम आएंगे कई कई पे, इसलिए बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट्स आपको एज इट इज रटे हुए चाहिए। चलो, एवरी इनएनिमेट बॉडी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनएक्सेलरेटेड अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्टेड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या? इनएनिमेट मतलब क्या? लिविंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट में होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट किस में होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, एग्जाम्पल भी दूंगा। या वो ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, या क्या परफॉर्म कर रहा होता है? अनएक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड लिखा है उन्होंने, जब तक उस पर क्या हो, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। मान लो ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे फेंक दिया, फेंकूंगा नहीं, फेंक दिया तो ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या हवा में? नहीं, कहीं पे जाके गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? कुछ फोर्सेस है जो इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रहा है, एयर उसको आगे नहीं जाने देना चाह रहा है, तो ये फोर्सेस की वजह से उसका मोशन रुक जाएगा। अगर ना होता ग्रेविटी और ना होता एयर, तो अगर इस पेन को फेंक दो ना वैक्यूम में, चलता रहेगा आगे, रुकेगा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि रेजिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो बॉडी का, अगर बॉडी रेस्ट पे, अभी मान लो मैं रेस्ट पे हूँ, इस स्टेटमेंट को पढ़ा के बताता हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, मुझे यहाँ से हिलाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, अंदर से लगाओ फोर्स या मुझे बाहर से कोई तो खींच लो। मतलब बॉडी का रेस्ट वाला पोजीशन भी चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा। अभी मैं क्यों नहीं हिल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पे फोर्सेस बैलेंस्ड है। अच्छा, ये हुआ, बॉडी कंटिन्यू होती है उनके स्टेट ऑफ रेस्ट में, या यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन, ये मोशन यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन है, और उसे रोकने के लिए या वो चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। उम्मीद है आपको ये लॉ क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है? चलो, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड लॉ की ओर जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कहा जाता है, जो कि बहुत जगह पर आपको बोल दिया जाता है, टीचर्स भी, हम लोग भी बोलते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ आया तो याद रखना F इक्वल्स टू ma होता है, F वेक्टर इक्वल्स टू ma वेक्टर होता है। बट ये 100% ट्रू नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्यों? आपको अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, क्या बोलता है देखो, पहले जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है? पी, लीनियर मोमेंटम होता है पी, उसका फॉर्मूला m इंटू वी होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या है? वो अगर छोटे थोड़े से
वर्ड्स में आपको बता दूं, मान लो रेस वगैरह देखते हो आप एथलेट्स की, ओलंपिक्स वगैरह में, बहुत सारे अलग अलग गेम्स में, एशियन गेम्स में, तो एथलीट जब दौड़ रहे होते हैं, जो एंड लाइन होता है ना, वो एंड लाइन जब क्रॉस कर देते हैं, मतलब वो रेस खत्म हो गया, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं क्या भाई? पैर में डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं क्या? नहीं ना, नहीं रुकते ना, आगे चलते जाते। क्यों पता है? जिस भी बॉडी के पास मास है और अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम बना रहता है। क्रिकेट में सुनते होंगे मोमेंटम प्राप्त हो गया है, मतलब क्या हुआ है, एक फ्लो में आ चुके हैं ऑब्जेक्ट, एक फ्लो में आ चुका है वो, ठीक है। तो मोमेंटम मतलब क्या, अब अगर मैं भी भागू और मुझे आप अगर बोल दो कि इस पॉइंट पे रुकना है, तो मैं वहां से आगे जाके थोड़ा रुकूंगा यार, क्योंकि वहां पे रुक जाऊंगा तो गिर जाऊंगा मैं, क्योंकि मोमेंटम था मेरे पास, मेरे पास मास भी है, मेरे पास वेलोसिटी भी है, तो मेरे पास मोमेंटम होगा। ये चीज हो गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डीपी बाय डीटी। दूसरी चीज मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, ये प्रोपोर्शनल होता है किसको, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, यही एक्चुअली। और इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी साइन देना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शनल की बात हो रही है ना, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर बाय डीटी। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लिया, कांस्टेंट वन ले लेते हैं यहाँ पर, और ये एफ इक्वल्स टू आता है डीपी वेक्टर बाय डीटी। एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ का यही फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, ये याद रखना आप, एफ वेक्टर इक्वल्स टू डीपी बाय डीटी। यहाँ पे कांस्टेंट कितना ले लिया, वन ले लिया जाता है, तो एफ इक्वल्स टू डीपी वेक्टर बाय डीटी वेक्टर आ जाता है। अच्छा ठीक है, कांस्टेंट वन कैसे लिया जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। अगर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दे दिया आपने यहाँ पे के, तो यहाँ होगा डीपी बाय डीटी, ठीक है। तो या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी। तो अगर मैं मोमेंटम वन केजी मीटर पर सेकेंड लू, टाइम वन सेकेंड लू और फोर्स वन न्यूटन लू, तो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो इधर पुट किया जाता है, जो कि वन होता है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो आपको बुक में तो नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है भाई ये? चलो अभी हम एक्चुअल न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले। ये एफ इक्वल्स टू एम ए जो कहते हैं ना, वो 100% सही नहीं है, बट 50% तो सही है। सर ऐसा क्या कंफ्यूज कर रहे हो? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो चलो, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी, पी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी वेक्टर। अभी इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैथ्स वाला, ये होता है यू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स। तो ये फॉर्मूले का यूज अगर मैं कर लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एम वी, एम को यू बोल दो और वी को वी ही बोलो, तो ये हो जाएगा एम डी वी बाय डी टी, ठीक है, प्लस वी वेक्टर डी एम बाय डी टी। अच्छा सर, अच्छा इसे भी नहीं कहूँ, ठीक है चलो, मैं अगर कह दूँ कि डी वी बाय डी टी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये हमें पता है, तो एम इंटू ए वेक्टर प्लस v वेक्टर dm by dt। अगर मैं कह दूं न्यूटन सेकेंड लॉ का ये फॉर्मूला है, सर ये हमने कभी नहीं देखा यार, आप कह रहे हो ये फॉर्मूला, यस सर। dm by dt मतलब क्या, dm by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm by dt मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अच्छा सर, मास कैसे चेंज हो सकता है बॉडी का, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, बॉडी का मास भी चेंज हो सकता है। मान लो एक रॉकेट है, रॉकेट को अगर आप फायर कर रहे हो, रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल होता है। मान लो रॉकेट को फायर किया तो वो चल रहा है, 1000 किलोमीटर तक चलना है रॉकेट को, और उसमें कुछ फ्यूल भर दिया आप लोगों ने, उसमें जितने भी पर्सन जो बैठे हैं या नहीं बैठे, वो मास कॉन्स्टेंट है। लेकिन ओवरऑल रॉकेट की जब बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ऊपर जाएगा तो फ्यूल कंज्यूम करेगा कुछ ना कुछ, और वो जो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है ना, बस वही तो चीज़ है, फ्यूल कम होगा तो उसका मास तो कम होगा ना, फ्यूल का कुछ ना कुछ मास होगा ना। अभी मान लो इसमें पानी है, इस बॉटल में, ये बॉटल का पानी अगर आधा कर दूँ तो इसका मास कम होगा ऑब्वियसली, वैसे ही रॉकेट का भी मास कम होगा विद टाइम, जितना दूर रॉकेट जाता जाएगा उसको ज़्यादा फ्यूल कंज्यूमशन करेगा वो, और ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से उसके मास में चेंज आएगा विद टाइम। तो इसलिए डीएम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। गाड़ी भी आप चलाते हो फ्यूल वाली, ईवी वाली नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, अभी फ्यूल वाली गाड़ी चलाते हो तो उसको फ्यूल का भी तो मास होता है ना कुछ, तो वो भी चेंज हो रहा होता है, बहुत कम होता है वो चेंज विद टाइम, बट हो तो रहा होता है। तो इसीलिए एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं बोल दूं, इफ हम लोग अगर ले ले मास कांस्टेंट,
मास को अगर मैं कांस्टेंट बोल दूं तो अभी आपका जो वो फेवरेट फॉर्मूला है वो आ जाता है, और 90% से भी ज्यादा कह सकते हो आप, 95% केसेस में मास कांस्टेंट ही लिया जाता है 95% केसेस में। तो जब मास कांस्टेंट है तो dm by dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू t हो जाता है जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो आपका f का फॉर्मूला आ जाता है m into a। जो कभी भी आपको पूछता है कोई न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या है तो आप बोल देते हो तुरंत से f equals to ma, तो वो इसी की देन है। ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब आपके बॉडी का मास कांस्टेंट आप लेते हो, ठीक है, और ऑलमोस्ट 95% या उससे ज्यादा भी टाइम्स हम लोग यही केस लेते हैं कि मास कांस्टेंट हो, तो एफ इक्वल्स टू एम ए यूज किया जाता है। ये होता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। चलो अभी थर्ड लॉ के ऊपर जाता हूँ, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं बताया जा रहा होगा, आप देख लेना, यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा, किसी ऐप पे नहीं बताया जाएगा, कहीं पे नहीं, आप देख लो इतना डेप्थ में कहीं बताया गया, बुक में भी नहीं दिया है ओवरऑल इतना डेप्थ में, तो ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। थर्ड लॉ पे जाते हैं जो कि सबका फेवरेट होता है, सबका फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि ईजी होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये कहाँ काम आता है, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। मान लो एक बॉक्स था या एक ब्लॉक है कोई जिसका मास m है, इस पर अभी कितने फोर्सेस लग रहे हैं बताओ, आप लोगों को क्या क्या लगता है इस ब्लॉक पर अभी कितने फोर्सेस लग रहे हैं? अच्छा चलो ब्लॉक को छोड़ दो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इधर बताता हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हाँ चलो मेरे ऊपर अभी कितने फोर्सेस लग रहे हैं, मैं एक जगह पर शांत खड़ा हूँ, ठीक है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं मेरे ऊपर? सर सबसे पहले तो आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यस ऑब्वियसली करेक्ट, मेरा अगर मास m ले लूँ तो mg लग रहा है। अच्छा यार ये mg लग रहा है ना नीचे, हाँ mg लग रहा है, तो मैं नीचे जाना चाहिए ना मुझे, क्योंकि मेरे पर नीचे फोर्स लग रहा है, मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ, क्योंकि ये जिस फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ, जिस सरफेस पर मैं खड़ा हूँ, वो भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगाता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन हुआ मेरा वेट, और रिएक्शन होता है नॉर्मल, ये हुआ एक्शन और ये क्या हुआ नॉर्मल रिएक्शन। इसे एन को क्या कहते हो आप पता है, एन को आप लोग कहते हो नॉर्मल रिएक्शन, एन को क्या कहते हो नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं सर हम लोग इसको। क्या होता है पता है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं तब ही नॉर्मल रिएक्शन का बात होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर ये बॉडी है, इस पे मास, इसका मास m है तो इस पे नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा। अच्छा इसमें और एक चीज क्या होती है पता है, जो एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन पेयर, ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, एक बॉडी पर नहीं लगता, एक बार पूछा गया था जेई मेंस में, ये अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। कैसे सर? अभी देखो ये तो मैं एक ही डायग्राम में बता रहा हूं इसलिए ऐसे हो रहा है, आपको डायग्राम सेपरेट आउट करके बताता हूं। मान लो ये सरफेस था और ये बॉक्स था, अभी मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है यहां से, ये सरफेस पे mg लगा रहा है यार नीचे, तो mg किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है क्या? नहीं, mg तो सरफेस पे लगा रहा है ना वो, और सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, तो मतलब ये एक्शन हुआ सरफेस पर और रिएक्शन हुआ बॉक्स पर या ब्लॉक पर। तो ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है। चलो ये हुआ न्यूटन्स का थर्ड लॉ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अभी इंपॉर्टेंस दिए गए आपको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ के, तो वो तीनों लॉस के न्यूटन्स के इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम लोग। देखो इट शोज एन इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एज बोथ नीड अ नेट अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द स्टेट। मतलब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में, उनका कुछ भी, अगर ये मैं यूनिफॉर्म 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं यहां पर अगर, और आपको मुझे रोकना है तो आपको मुझे फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा। और अगर इस पेन को मैं यहां पर रख दूं, मैंने कहा कि इस पेन को मूव कराओ, इस पेन को मूव कराने में भी आपको फोर्स लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, आपको उसे हिलाना है वहां से या आपको रोकना है उसे, तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये वो बताता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। बोथ दिस आर रेफर्ड टू एज अ स्टेट ऑफ मोशन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन लाइज इन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे। सेकेंड, इट डिफाइंस द फोर्स एज अ एंटिटी, एक फोर्स को एज अ एंटिटी डिफाइन करता है, एंटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन
ऑफ अ बॉडी, मतलब ये स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी में चेंज कैसे लाना है वो देखता है। फोर्स इज समथिंग दैट इनिशिएट्स अ मोशन और कंट्रोल्स द मोशन। फोर्स मोशन को इनिशिएट भी कर सकता है और अगर मैं भाग रहा हूं तो मुझे रोक भी सकता है, ठीक है। चलो, सेकेंड लॉ गिव्स इट्स क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग और इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पहला लॉ फोर्स के बारे में बस बात करता है थोड़ी सी, और सेकेंड लॉ क्या करता है, सेकेंड लॉ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है। अभी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, इट डिफाइंस इनर्शिया एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय विच ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स रेस्ट और मोशन। मतलब इनर्शिया मतलब क्या, अगर फैन चल रहा है फैन को रोक दो आप, बटन बंद कर रहे हो मतलब क्या, फैन एक यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उसका बटन बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, वो रुक जाता है, तुरंत रुकता है क्या, नहीं। अभी तुरंत रुकने वाले भी फैन आए बट उनको भी एक से दो सेकेंड तो लगते ही है, क्यों, उसके पास इनर्शिया होता है, मोशन में होता है। इनर्शिया के बारे में रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ेंगे 12th में डिटेल में, बट इनर्शिया होता है उसके पास, फैन के पास। इनर्शिया इज मेजर्ड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसके पास मास है और जो मोशन में उसके पास इनर्शिया होगा। जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा था, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो आप चीजों को, सेम तो नहीं है। मोर स्पेसिफिकली इट इज कॉल्ड एज इनर्शियल मास विच इज द रेशियो ऑफ नेट फोर्स टू द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन। मतलब एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, अगर मास कॉन्स्टेंट ले लो तो, मास कॉन्स्टेंट लिया और उस मास को मैं क्या कह रहा हूं, इनर्शियल मास, तो ये इनर्शियल मास जो है इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो नेट फोर्स एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर। चलो यही था वो चीज, और इसका आपको मॉड लेना होगा क्योंकि मास कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, फोर्स निगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, मास निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उन दोनों का मॉड लेना पड़ता है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के इंपॉर्टेंस की ओर। इट गिव्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो था ना, इसको हमने देखा ना अभी, कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ। फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो, इट डिफाइंस द मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम वी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ये मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम वी को डिफाइन कर रहा है इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी एज द फंडामेंटल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन। व्हाट इज द चेंज बाय फोर्स इज द मोमेंटम नॉट नेसेसरीली वेलोसिटी। मतलब फोर्स क्या चेंज करता है, तो उनका कहना है फोर्स मोमेंटम चेंज करता है, नेसेसरी नहीं है कि फोर्स वेलोसिटी भी चेंज कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल्स फॉलोसी इज ओवरकम बाय कंसिडरिंग रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो सबसे ईजी भी होता है और सबसे ज्यादा यूज आएगा फ्री बॉडी डायग्राम्स में इसका। याद रखना एक्शन रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो, इट डिफाइंस एक्शन एंड रिएक्शन एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। Always acts on a different objects का मतलब क्या है पता है? दोनों भी पेयर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, ये मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन मेंस जेई मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अलग अलग फोर्सेस है एक्शन रिएक्शन, वो एक ही बॉडी पे लगेंगे कि दो बॉडी पे लगेगी, एक बॉडी पे नहीं लगेगा। ये हुए आपके न्यूटन्स के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे उसके बारे में भी देखेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, अभी ये एग्जाम्पल देखो, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा पेज नंबर 49 पर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल में ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ के ना समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए। चलो, अ होस पाइप यूज्ड फॉर गार्डनिंग इज इजेक्टिंग वाटर हॉरिजॉन्टली एट अ रेट। मतलब हॉरिजॉन्टली इजेक्टिंग वाटर एट अ रेट, रेट मतलब क्या, किसका रेट, वाटर का वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है सर। एरिया ऑफ द बोर ऑफ द पाइप बताता हूं आपको, एरिया ऑफ द बोर ऑफ पाइप कितना है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देन बोला है कैलकुलेट द नेट फोर्स टू बी अप्लाइड बाई द गार्डनर टू होल्ड द पाइप हॉरिजॉन्टल स्टेशनरी। मतलब एक पाइप, होस पाइप मतलब क्या, कुछ नहीं, अगर पाइप को, अगर आप पानी आ रहा है पाइप में से और उसको अगर नीचे जमीन पर डाल दो तो वैसे सांप के जैसा होता है, देखो पहले
खाली पाइप डाल देना, नल चालू नहीं करना है, टैप बंद रखना है, टैप चालू कर दो, वाटर टैप, नल चालू कर दो, वो पाइप ऐसे ऐसे नागा सर का फिर तो करना ही तो थोड़ा, हाँ बस तेज होस पाइप, तो उसमें से पानी कितने वेलोसिटी से बाहर आ रहा है वो बता रहा है। अभी वो पूछ रहा है कि पाइप को आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि वो पानी आगे जा रहा है तो वो फोर्स लग रहा है, पीछे भी एक फोर्स लगाएगा ना, वो पानी जब चालू कर देते हो आप पाइप को, नीचे जमीन पर गिरा हुआ होता है तो वो आगे पीछे होने लगता है पाइप थोड़ी देर के लिए, और बाद में भी तो उस पर फोर्स लग रहा होता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो एक जगह रुक जाता है, तो उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा आपको पकड़ने के लिए उसको। तो आपको वेलोसिटी दिया है और एरिया दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है और एरिया दिया है। अच्छा तो अभी क्या फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एक ही चीज याद रखते हैं हम लोग सर, डीपी वेक्टर बाय डीटी वेक्टर। यस आपने बता दिया फोर्स का फॉर्मूला होता है डीपी वेक्टर बाय डीटी वेक्टर। चलो पुट कर देते हैं इसको, इसको पुट करने के बाद लिख लो क्या क्या आया था, आया था एम डीवी बाय डीटी प्लस वी डीएम बाय डीटी। हाँ ये आया था कि नहीं आया था, आया था सर। सर लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कांस्टेंट बोल दूं क्या इसको? हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट कब नहीं होगी, जब वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह दी हुई होगी आपको तब होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ डीवी वेक्टर बाय डीटी वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो मेरे फोर्स के लिए क्या बचा, फोर्स के लिए बचा वी वेक्टर इंटू डीएम बाय डीटी। सर अभी वी तो ठीक है, एरिया दे रखा है, डीएम बाय डीटी तो दे ही नहीं रखा है, क्या किया जाए अभी? देखो याद रखो जब भी लिक्विड फ्लूड की बात होती है तो मास यूज में नहीं आता है, तो क्या यूज में आता है बताता हूँ। देखो जब भी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूँ मास अगर मुझे लिखना है तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ सर ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं मास के लिए एम यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम के लिए मैं ऐसे कैपिटल वी को बीच में डैश दे रहा हूँ, बीच में डैश मतलब अलग कोई नोटेशन नहीं है, वॉल्यूम है, कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस समझना चाहिए इसीलिए बस। तो मैं यूज करूंगा एम इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि रो तो हमें पता है वाटर का, ये क्यों हमें पता है, पता है क्या, ये ट्वेल्थ में जो चैप्टर आता है सेकंड उसमें आता है, तो आप भी सीख जाओगे। अभी बस वैल्यू याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 केजी पर मीटर का क्यूब, ठीक है सर। सर डेंसिटी पता चल गया, लेकिन वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम क्या होता है, मान लो कि ये पाइप है एक, आपको ना डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं, जस्ट वेट, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं। मान लो ये पाइप था आपका, ये पाइप का एरिया दे रखा है आपको, और मान लो ये इसका लेंथ है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, आपको एरिया दिया है ना, तो एरिया और ये तो इक्वेट नहीं हो सकता, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और लेंथ मतलब मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियरिटी आ गई होगी आप लोगों को। तो वॉल्यूम के जगह मैं एरिया इंटू लेंथ यूज कर लूंगा, वॉल्यूम के जगह क्या यूज करूंगा, एरिया इंटू लेंथ यूज कर लूंगा। चलो तो ये फॉर्मूला मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ध्यान देना है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी एरिया और लेंथ। अभी ध्यान देना है, मुझे इतना तो पता है कि वाटर का डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, देन एरिया पाइप का एरिया भी तो कॉन्स्टेंट रहेगा, और सर लेंथ भी तो कांस्टेंट है, तो ये जीरो कर दे, नहीं लेंथ नहीं जीरो करना है, क्यों जीरो नहीं करना है आपको पता चल जाएगा, जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव वाला पार्ट बाहर ले लो, एफ इज इक्वल टू वी वेक्टर था यहाँ पे, ठीक है, इनटू रो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीएल बाय डीटी। अच्छा मुझे बताओ डीएल बाय डीटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इसी को तो हम लोग वेलोसिटी कह रहे हैं ना मेरे भाई, इसलिए एल को कांस्टेंट नहीं लेना है, कितने लेंथ है, तो लेंथ तो पाइप का हम लोग कितना कंसीडर कर रहे हैं उस पे है ना, तो वो वेरी कुछ कर सकता है। अभी एफ वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना दिया है 0.5, डेंसिटी कितना है 1000, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसको मीटर स्क्वायर अगर करेंगे तो 10 × 10⁻²⁺ मीटर का स्क्वायर, ओके ठीक है, तो 10 × 10⁻²⁺ मीटर का स्क्वायर
कुछ गड़बड़ हुआ है क्या भाई? नहीं, गड़बड़ कुछ भी नहीं हुआ है। और ये एक एक वैल्यू लिखा है मैंने, हाँ, 1, 2, 3, और ये इसके जगह V मतलब 0.5। तो चलो अभी ध्यान देना है इसको किया कैसे जाता है सॉल्व। सबसे पहली बात तो ये 10 और ये पॉइंट कैंसिल, 10 और ये एक पॉइंट कैंसिल, ये 100 और ये 10^-2, 100 और 10^-2 भी कैंसिल, तो 5×5=25 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा। और अगर आपको डाइन में चाहिए तो आप इसे बोल सकते हो 25×10^-5 dyns, क्योंकि आपको बुक में डाइन में दिया है आंसर और बाद में न्यूटन में कन्वर्ट किया है, लेकिन आप देख सकते हो बुक वाला और ये हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है। 0.25 कैसे आ रहा है यार? यस करेक्ट है, ये 10×10^-2 तो सेंटीमीटर का मीटर में हुआ ना, तो आपको अगर एरिया को मीटर स्क्वायर करना है तो -4 आएगा। यस करेक्ट, हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। चलो वापस सॉल्व कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस इसे सॉल्व कर लेंगे। सही है, हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बता दो आपको क्या करना है। छोटी छोटी गलतियाँ, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 0.5, डेंसिटी 1000, इंटू एरिया 10×10^-4, क्योंकि वो एक सेंटीमीटर मतलब होता है 10^-2 मीटर, बट प्रॉब्लम क्या था, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहा था ना, यहाँ पे 10^-4 मीटर का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इंटू वेलोसिटी भी 0.5, फिर भी वो हमारा पहले जो कट किया था वो तो सही है, 10 और ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, कलर यूज करता हूँ कलर कोड, देन ये 0 और ये पॉइंट कैंसिल, चलो ठीक है। देन एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 5×5=25×10^100 मतलब 2, और ये 10^-4 वैसे ही बचा, तो ये आपको आंसर मिलता है 25×10^-2 −4 −2 −2 न्यूटन, या इसे आप लोग बुक के हिसाब से लिख सकते हो 0.25 न्यूटन में। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर न्यूटन में। इसी चीज़ को आप डाइन में भी लिख सकते हो, डाइन में अगर लिखना है आपको तो 0.25×10^-5 dyn। चलो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग इस लेक्चर में यहीं पर रुकेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अभी अगले लेक्चर में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने से पहले आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ के आना जो हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको मोशन भी एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसके पहले पिछला वाला जो भी होता है, हर अगले लेक्चर में आने से पहले पिछला वाला लेक्चर रिवाइज करके आया कीजिएगा। तो चलो इस न्यूमेरिकल तक यही रुकेंगे हम लोग। ये न्यूमेरिकल अपने आप से खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग ये हमसे न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, तो चलो यार मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।